दोस्तों वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूं आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में। तो गाइज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने रोपोसो एप्लीकेशन से जो हमारे पैसे इकट्ठे हुए हैं उसको हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, यानी कि विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी भी दबा ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने रोपोसो एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो गाइज यहाँ पर हम अपना रोपोसो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो सो गाइज आप यहां पे देख सकते हैं मैंने अपना रोपोसो एप्लीकेशन को यहां पे ओपन कर लिया है। तो आपको सिंपल से यहां पे आपको कोने में मिल जाता है पैसे का आइकन बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइज यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इसका इंटरफेस इस तरह का आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो गाइज हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरफेस है कुछ इस तरह का आपके सामने दिखाई देने लगेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पे आपका क्वाइंस दिख रहा है, आपको सिंपल से उसी पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो गाइज यहाँ भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब कि आपके पास यदि 10,000 क्वाइंस है तभी आप 10 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज आपके पास कम से कम 10,000 क्वाइंस होना बहुत ज़रूरी है तभी आप 10 रुपये अपने पेटीएम में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो आपको सिंपल से यहाँ पर पेटीएम पर भेजे पर क्लिक करना है। पेटीएम पर भेजे करने के बाद आपको यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, यानी कि आपके पास कम से कम 5,000 क्वाइंस होने चाहिए तभी आप अपने पेटीएम में ले सकते हैं। यदि आपके पास 5,000 क्वाइंस नहीं है तो आप इसे पेटीएम में नहीं ले सकते। यदि आप पेटीएम नंबर इसका चेंज करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है पेटीएम नंबर बदले। तो आप जिसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेटीएम नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका पहले का होगा वह यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे आप अपना फिर से दूसरा पेटीएम नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं और डालकर इसे अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल की घंटी भी दबाओ ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।